22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसको लेकर देश भर में लोग अपने अपने गांव शहर में कार्यक्रम कर रहे हैं। गोड्डा जिला प्रशासन ने 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर हो रहे जिले में कार्यक्रम को लेकर जारी किया गाइडलाइन। डीजे पर नहीं बजे भड़काऊ गाने, नहीं तो किया जाएगा डीजे जब्त। साथ ही सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की रहेगी पेनी नजर। कोई भी अगर किसी प्रकार का भड़काऊ पोस्ट करता है तो होगी उन पर कार्रवाई। आज इन्हीं सब विषयों पर नगर थाना गोड्डा में शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी समुदाय के गणमान्य उपस्थित रहे। सुनिए जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया दिशा निर्देश। आगे में जैसा कि हम लोग एक बैठक हुई है हमारे माननीय हमारे उपायुक्त महोदय और एसपी साहब की अध्यक्षता में कल, जिसमें आगामी जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाए अयोध्या जी में श्री राम लला का, उसके देखते हुए हम सभी को अभी तक जैसा कि गोड्डा प्रखंड में रहा है, सौहार्दपूर्ण की मिसाल आप लोगों ने कायम की है जो बहुत काबिले तारीफ है जैसा कि मुझे पता चला। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आप सभी का सहयोग जिला प्रशासन को भी मिलता रहे और आपके द्वारा जो कुछ समस्याएं हैं उस पर भी हम लोग विशेष ध्यान करते हुए उसका निपटारा करेंगे। सर्वप्रथम तो आप सभी से मैं हम लोग अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर मंदिर वाले हैं या ट्रस्ट के जो भी हैं, अध्यक्ष सचिव को साध्यक्ष सदस्य जो भी होंगे, अपने आप कार्यक्रम जिन जो आप लोगों ने लिखवाया है उसमें हम आप सभी से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी उसके साथ चलेंगे उसमें किसी भी तरह का कोई भी भड़काऊ गाना डीजे नहीं बजना चाहिए। हमें खुशी है कि हमारे भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में आप लोग सब एक हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य भी बनता है कि हम किसी भी संप्रदाय को आहत न पहुंचाएं। हम लोग का धर्म भी कहता है किसी को हम आहत न पहुंचाएं, सभी धर्म संभाव के तहत हम लोग कार्य करें। डीजे पर स्पेशल फोकस करनी होगी, डीजे जो है किसी भी तरह का ऐसा कोई गाना नहीं बजाए जिससे किसी को आपत्ति किसी को भावना को आहत पहुंचे। अगर ऐसा पाया जाता है तो डीजे को तत्काल स्विच कर दिया जाएगा, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ जो भी हमारे जो जुलूस शोभा यात्रा जो निकाले जाएंगे मुख्य सड़क से होते हुए शांतिपूर्ण ढंग से आप निकालें, प्रशासन आपके साथ है, परंतु इसमें किसी भी तरह का हुड़दंग प्रशासन को स्वीकार नहीं होगा। आप सभी शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस यात्रा को मनाएं, किसी भी तरह का सोशल मीडिया में जैसा कि हमें निर्देश प्राप्त हुआ हम लोगों को कि कोई अगर किसी तरह का भड़काव चीजें आती है तत्काल उस पर आप सभी अभिभावकगण से मैं अनुरोध होगा तत्काल उस पर रोक लगाएं। एडमिन का दायित्व तो होगा अगर किसी भी तरह का मामला संज्ञान में आता है आगे बढ़ता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब कोई मामला संज्ञान में आता है किसी तरह के तो आप तत्काल ये हमारे जो थाना प्रभारी है उन्हें सूचित करें। मेरा नंबर सभी लोग नोट कर लें, कोई बात हो तो तत्काल वीडियो गोड्डा के नाम से सेव कर लीजिए। मेरा नाम दयानंद जायसवाल हुआ, प्रखंड विकास अधिकारी गोड्डा। मेरा मोबाइल नंबर हुआ 911, एक बार लिख रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग संपर्क में रहेंगे। 9011 2814, 9111 2814। कोई समस्या आती है हम लोग मिल बैठ कर पहले उसको शॉर्ट आउट करें, किसी तरह हम लोग उसका आगे नहीं बढ़ने दें। और मामला ज़्यादा संगे कुछ मैटर ऐसा आता है जो शॉर्ट फर्ट नहीं होता, हम लोग सभी लोग मिल के उसको जो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी तत्काल हम लोग उस मैटर को सुलझाते हुए कार्य करेंगे। अगर सोशल मीडिया में सरकार की पहली नज़र है, यहाँ से भी नज़र रखा जा रहा है सभी पर, किसी भी तरह का आपत्तिजनक कोई पोस्ट नहीं करेंगे, कोई भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, भड़काऊ गीत नहीं चलेगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण वाला आप जो भावना है एक दूसरे का करते हुए हम लोग उसका सम्मान करते हुए गीत संगीत का हम लोग उसका प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा जैसा कि हम कल निर्देश दिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से अवैध शराब बिक्री पर ही प्रतिबंध लगाया जाएगा। जहाँ जहाँ मैं अपने थाना प्रभारी महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर जो भी अगर अवैध शराब की दुकान चल रही है संज्ञान में आता है तत्काल उसे ध्वस्त करें, सीज करें, उसे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इसमें। तीसरा चीज है कि
जो मंदिर है जहाँ पर कैमरा पहले आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था दुर्गा पूजा के समय, हर मंदिर में CCTV कैमरा लगाया गया था, अगर संभव है तो आप सभी पुनः उसको लगा दें उस दिन कार्यक्रम के लिए, ताकि आप लोग की भी सुविधा हो, हमारी भी सुविधा हो। उस दिन पूरे प्रशासन की टीम गतिमान रहकर सभी मंदिरों में भ्रमण करेगी, प्रखंड में भ्रमण करेंगी, जिला में भ्रमण चलता रहेगा, मजिस्ट्रेट डिपुट हो रहे हैं सभी, तो आप सभी से अनुरोध होगा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं आप सभी का सहयोग हमें बराबर मिलता रहे, जैसा कि अभी तक आपने सहयोग दिया इसलिए पुनः मैं आप सभी धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ आने वाला मेरा हम लोग का जो समय है जो श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है वह भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम सभी मनाएं, किसी भावना का आहत न करें, DJ का प्रयोग भड़काव भाषण के लिए भड़काव गीत के लिए नहीं करें, और आप सभी से मैं अनुरोध होगा कि शांतिपूर्ण ढंग से शोभा यात्रा जो आप निकालें और इसमें किसी भी तरह का किसी की भावना को कोई ठेस न पहुँचे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सभी शुभकामना देता हूँ।